इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन झारखंड के चतरा जिले में एक ऐसा गांव है जहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी गांव से झारखंड की राजनीति शुरू करने वाले शख्स सत्यानंद भोक्ता आज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सवालों के घेरों में हैं। ये नजारा जिले के कारी गांव का है, जहां से मंत्री सत्यानंद भोक्ता का अपना बचपन बीता है, जब माननीय मंत्री के गांव के लोगों को ही गर्मी की तपिश चढ़ने के साथ ही चापाकल खराब हो जाते हैं और कुआं भी सूख जाता है, तो समझिए झारखंड के अन्य गांव और जिलों की क्या स्थिति होती होगी। फिलहाल गांव में एक ही कुआं है। रोजाना गांव के लोग 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर कुएं से पानी भर कर अपने घर ले जाते हैं। सुनिए जरा गांव के लोगों का क्या कहना है। गांव है, यहाँ बहुत मुश्किल होता है पानी आने के लिए। 1 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी आने के लिए। सब बहुत दूर दूर से नानते हैं पानी, इसीलिए तकलीफ हो रहा है आदमी को। नल खराब हो गया है, चापाकल भी खराब है। तो विभाग का खबर हुआ है बनाने के लिए? नहीं, मोटर खराब हो गया है, बहुत दूर से पानी लाते हैं, बना दीजिए जल्दी। सूचना किए हैं पर अभी नहीं आया है, बहुत धूप है। पानी लाते हैं 1 किलोमीटर से, कुआं से लाते हैं, मंत्री जी का काम गांव है। अब सवाल उठता है कि गर्मी चढ़ने के साथ ही पेयजल और स्वच्छता विभाग कहां सोया रह जाता है। गांव में पेयजल के साधन तो हैं, लेकिन खराब हैं। ले देकर मात्र एक कुआं है और इसी कुएं के सहारे पूरे गांव की प्यास बुझती है। आज आपके द्वारा पता चला है कि वहां पर मोटर खराब है, संवेदक को निर्देशित कर दिया गया है, वो कल तक में बन जाएगा। गर्मी में जहां पे योजना है वहां पे इस टाइप की समस्या है, तो उसको प्रायोरिटी पे हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही चाहते हैं कि उसका निष्पादन हो जाए। चतरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट।